एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड अडैप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट अराइजेज इन आवर माइंड इज व्हाट इज अडैप्टेशन. अब वी वुड हैव डेफिनेटली नोटिस्ड कि कुछ ऐसी चीजें होती है हमारे एनवायरमेंट में जिसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे प्रजातियों ने, बहुत सारे क्रीचर्स ने, बहुत सारी स्पीशीज ने खुद को चेंज कर लिया है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस दैट हैज हैपेंड अराउंड देम. फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, कि कैक्टस जो है वो बहुत कम वाटर कंज्यूम करता है, प्लस इट इज द ओनली प्लांट दैट कैन ग्रो इन, इट इज वन ऑफ द ओनली प्लांट्स व्हिच कैन ग्रो इन डेजर्ट रीजन आल्सो. नाउ व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज देर आर अदर प्लांट्स व्हिच इफ नॉट वॉटर्ड प्रॉपरली तो दे कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली और एल्स दे विल डाई. तो ये वो कुछ एक प्लांट का एग्जाम्पल है जिसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, खुद की सराउंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है एंड हैज मेड श्योर दैट इट ग्रोज, इट डेवलप्स अकॉर्डिंग टू इट सराउंडिंग. Now there are some animals as well who has done the same. Penguins have developed themselves in such a way that they can grow in snowy regions, especially in so cold region like Antarctica, or wo khud wahan pe swim kar sakte hain itne thandi mein bhi. They can swim in the sea, they can fish and they can survive. Now why does that happen? So there are some changes which a creature can accept और वो एक लॉन्ग पीरियड के दौरान होते हैं. नाउ व्हाट दोस चेंजेस कैन बी, इट कैन बी फिजिकल चेंजेस और इट कैन बी चेंजेस इन देयर बिहेवियर. वो चेंजेस जो किसी भी क्रीचर में होते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स सराउंडिंग आर नोन एज अडैप्टेशन. अडैप्टेशन बेसिकली मींस एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स सराउंडिंग एंड मेकिंग श्योर दैट दे सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट. दिस थिंग इज नोन एज अडैप्टेशन, कि अपने सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट करके खुद के सर्वाइवल को अश्योर करना इज अडैप्टेशन. अब एग्जांपल के लिए अगर देख ले तो फिर बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. देर आर फ्लावरिंग प्लांट्स, देर आर अनफ्लावरिंग प्लांट्स, देर आर सम प्लांट्स विच नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो, देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो, देर आर सम प्लांट्स विच कैन ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर एंड पार्शियली इन वाटर. So, ऐसे अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं. देर आर सेम प्लांट, अगर आप कोई एक प्लांट ले लो एंड इफ यू सी इट इन अ सिटी इट्स हाइट विल बी डिफरेंट, एंड द सेम प्लांट इन अ फॉरेस्ट इट्स हाइट विल बी डिफरेंट. नाउ व्हाई डज दैट हैपन? सो दीज आर सम ऑफ द वेज द क्रीचर्स हैव, द ऑर्गेनिजम्स हैव क्लासिफाइड देमसेल्व्स, दे हैव अडैप्टेड देयर सराउंडिंग्स. अडैप्टेशन इज बेसिकली ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. कुछ चेंजेस होते हैं जो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स में होते हैं एंड ऑल्सो इन देयर बिहेवियर विच हेल्प्स देम टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स. एंड दीज आर द चेंजेस जो उनको सराउंडिंग में एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं. सच चेंजेस आर कॉल्ड एज अडैप्टेशन, और इन चेंजेस को अडैप्टेशन कहते हैं. It takes place over a long period of time. अब ये जो changes होते हैं ये एक बहुत long period के दौरान होते हैं. Now let's see what are the adaptation that occurs in that plants have accepted. Now talking about adaptation in aquatic plants, there are three types of aquatic plants, और तीन types है जिसकी तरह से aquatic plants ने खुद को adapt कर लिया है. The first one is this type, in which roots are firmly rooted in soil, roots completely soil के अंदर है. Stems are submerged in water. If you will be able to see, stems जो है वो पानी के अंदर submerged है और leaves या flowers जो होते हैं वो float करते हैं ऊपर की तरफ या फिर it is in the air. So this is the first kind of adaptation that the aquatic plants have made. The second type is the roots and the plant. The whole plant floats on water. For example, lotus. Lotus is the flower जो खुद पानी के ऊपर float करता है, plus it has floating roots. वो भी पानी के ऊपर ही फ्लोट करती है, इट डजंट नीड सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ. तो दीज आर अनदर काइंड ऑफ प्लांट ऑफ सॉरी दिस इज अनदर काइंड ऑफ प्लांट जिसे जिसने अपने एनवायरमेंट को अडैप्ट कर लिया है. एंड द थर्ड टाइप इज द काइंड ऑफ प्लांट्स जिसे एक्वेटिक प्लांट्स विच आर ऑल्सो फाउंड इन सी एंड ऑल, जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं वॉटर के अंदर. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट मस्ट बी अराइजिंग इन योर माइंड इज कि ये अगर इन पेड़ों को कंप्लीटली ये हमेशा वाटर के अंदर होते हैं, व्हाई डोंट दे रॉट, ये सड़ते क्यों नहीं है, या फिर व्हाई डोंट द प्लांट डाई. नाउ दिस द प्लांट डजंट डाई बिकॉज द प्लांट हैज अडैप्टेड इटसेल्फ इन सच अ वे कि उसने खुद के ऊपर एक वैक्सी लेयर को फ्लो वो कर लिया है, कि उसके ऊपर इट हैज स्प्रेड अ वैक्सी लेयर ऑन इट बिकॉज ऑफ विच द वॉटर डजंट स्टे ऑन इट फॉर लॉन्ग.
Secondly, it doesn't have stomatas, or it has very small stomata, so water doesn't enter into the leaves. अब वाटर लीफ में एंटर नहीं हो पाता है, सो द चांसेस ऑफ प्लांट गेटिंग रॉटन इज गेट्स मिनिमाइज्ड. ऑल्सो दीज, और ये प्लांट्स फ्लोट कैसे करते हैं, अनदर क्वेश्चन. दीज प्लांट्स हैव वेरियस होल्स एंड पिटोल्स इन देम व्हिच हेल्प्स देम टू फ्लोट. ऑब्वियसली वी नो दैट एनीथिंग दैट हैज एयर इन इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर. द सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल हियर. फॉर एग्जाम्पल दिस लोटस स्टॉक को अगर देखा जाए, देर आर वेरियस काइंड ऑफ होल्स, सो इट हेल्प्स द लोटस टू float on water. So these are the kind of plants which have, or these are the adaptations that aquatic plants have taken. Now let's see how desert plants have adapted its surrounding for its survival. Now adaptation in desert plants, so usme ek example aata hai, the one and only example that comes in it is cactus. Now cactus is the plant which has adapted itself so nicely because we all know desert are the places jahan pe pani nahi hota hai. तो अब ऐसे इन्वायरमेंट में खुद को डेवलप करने के लिए कैक्टस हैज मेड सेवरल चेंजेस इन इटसेल्फ. नाउ वी ऑल नो कि ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस विच हैपेंस इन लीफ, और ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वाटर वेपर्स जो होती है वो लॉस हो जाती है इन्वायरमेंट के अंदर. सो व्हाट चेंजेस कैक्टस हैज मेड, कैक्टस ने अपने लीव्स को इतना छोटा कर दिया है कि ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं पाता, या फिर नेग्लिजिबल ट्रांसपिरेशन होता है. नाउ व्हाट यू बी ऑब्वियसली सेइंग कि अब लीव्स होते कहां है कैक्टस के अंदर. नाउ द थॉर्न्स दैट यू आर सीइंग, द थॉर्न्स आर द लीव्स इन कैक्टस. नाउ अब कैक्टस ने खुद की लीव्स को थॉर्न्स में कन्वर्ट कर लिया है ताकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ना हो सके, एंड देर इज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट, प्लस इट हैज थिकन्ड इट्स स्टेम so that it can store maximum amount of water in it. So इस तरीके से cactus ने अपने अंदर changes लेके आया है, obviously through a long period of time, to make sure that it survives in difficult conditions like desert as well. Now let's go for adaptation of plants in snowy region. Snowy regions के अंदर जो plants grow करते हैं, specially deodar and pine, they have developed themselves in such a way कि उनके जो leaves आते हैं वो conical shape में होते हैं. Now why is that? Conical मतलब एक कोन शेप के अंदर वो पेड़ ग्रो करते हैं. Now why is that? क्योंकि जब स्नोई एरिया के अंदर उनपे स्नो फॉल हो, तब वो स्नो उसपे सेट होने की बजाय नीचे गिर जाए. नो दैट वॉज द ओनली एम बिकॉज ऑफ विच द प्लांट्स इन स्नोई रीजन हैव डेवलप्ड देमसेल्फ इन कोनिकल शेप, ताकि वो जो स्नो है वो फॉल हो जाए और प्लांट्स को अपनी बाकी प्रोसेसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. सो दिस इज द रीजन ऑफ द शेप दैट द plants in snowy regions have accepted. Now talking about the adaptation of plants in forest region, the plants in forest are very congested. वहाँ बहुत सारे herbs होते हैं, bushes होते हैं, plants होते हैं, tree होते हैं of various size, of various heights, but we don't know one thing, that they compete amongst each other for sunlight. Obviously बहुत सारे congested plants हैं, sunlight won't be able to reach to each and every plant. To make sure that they get all the sunlight and to make sure that they would be able to photosynthesize properly, the plants in the forest region started growing its height. अब खुद को टॉल करने की कोशिश में, obviously because हर प्लांट खुद को सनलाइट चाहता है, हर प्लांट चाहता है कि वो फोटोसिंथेसिस करे, इसीलिए फॉरेस्ट रीजन के जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा लंबे होते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर प्लांट इन एनी अदर रीजन. सो दिस इज हाउ द प्लांट्स इन फॉरेस्ट रीजन्स हैव एक्सेप्टेड देमसेल्व्स बाय चेंजिंग देयर हाइट. सो दिस इज हाउ दे हैव एक्सेप्टेड देयर सराउंडिंग बिकॉज सनलाइट सारे रीजन तक, इन सच कंजेस्टेड रीजन वोंट बी एबल टू रीच टू ईच एंड एवरी प्लांट. सो इस चीज का ख्याल रखने के लिए प्लांट्स ने क्रीप करना शुरू किया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू किया, एक दूसरे को ओवरकम करना शुरू किया वाया इंक्रीजिंग इट्स हाइट, और इस तरीके से प्लांट्स ने खुद को चेंज किया. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस एंड बुशेस दैट आर फाउंड इन ग्रासलैंड्स. अब ग्रासेस की जो रूट्स होती है, देयर आर फाइब्रस रूट्स. नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस रूट्स, उसके अंदर से फाइबर्स निकल रहे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फाइब्रस रूट्स. अब अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स, तो ये तीन तरीके के रीजन के अंदर तीन अलग अलग टाइप की ग्रासेस या बुशेस पाई जाती हैं. इक्विटोरियल रीजन में वेरी टॉल ग्रासेस आर फाउंड, वेरी टॉल बुशेस आर फाउंड, सो दैट ह्यूज एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, एलिफेंट्स एंड ऑल कैन हाइड इन दैट, ताकि वो खुद को उस जगहों पे छुपा सके और वो अपना शिकार कर सके, सो दैट दे कैन हंट फॉर. सो दीज ह्यूज ग्रासेस आर यूज बाय देम मोस्टली. सेकेंड थिंग इज इन कोल्ड रीजन के अंदर वेरी शॉर्ट ग्रासेस आर फाउंड, ताकि वो जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं लाइक रैबिट्स, सो दे कैन हाइड इन दोज शॉर्ट ग्रासेस.
And in hilly areas and plains, vast meadows are found. And this is how there are the, according to the surroundings, grasses have adapted itself, its size and its roots. Now, we all know that plants are mostly autotrophic. That is, they make their own food via photosynthesis. But there are some other plants as well, jo dusre plants pe ya dusre organisms pe feed karte hai to survive. For example, dodder. Now, dodder basically roots, iske yellow roots hote hai, jo sucking roots hote hai. Now, dodder ka kaam hota hai, wo dusre plants ke upar it creeps. और वो उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करता है. सो इट हैज होस्टोरियल विच मींस सकिंग रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स. और ये दूसरे प्लांट्स को क्लाइम करता है, दूसरे प्लांट्स को क्रीप करता है एंड मेक श्योर दैट इट सक्स द ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट द अदर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर दैट द अदर प्लांट हैज गॉट. डॉडर डजंट हैव क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस. इट नाइदर हैज लीव्स विच कैन परफॉर्म दैट फंक्शन. सेकेंड इज फंजाई. फंजाई के पास भी कोई भी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसीलिए दे हैव फाइब्रस रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स. अब फंजाई कहां से अपना न्यूट्रिएंट गेन करता है? कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सब्सटेंसेस से. फॉर एग्जांपल, लेट इट बी ब्रेड, लेट इट बी चपातीज. तो ये वो चीजें होती है जिसके थ्रू फंगस अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करता है. द अदर प्लांट इज पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप. ये वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं एंड इट फुलफिल्स इट्स नाइट्रोजन और फॉस्फरस या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होते हैं उनकी नीड्स को ये फुलफिल करता है थ्रू दोज इंसेक्ट्स विच इट फीड्स ऑन. तो इट हैज अ ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर. इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट. वंस द इंसेक्ट सिट्स इन इट्स ट्रैप, तो ये क्लोज कर देता है. इट सक्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो भी उस इंसेक्ट के अंदर होते हैं एंड देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज फॉलन डाउन.